Hi guys, welcome to today's video. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. आज की वीडियो का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ओवर परफेक्शन. क्यों बहुत से लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते, चाहे वो बहुत अच्छा प्लान भी फॉलो करते हैं, डाइट भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, क्यों रिजल्ट्स नहीं आते. आज की वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा. आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, भाई मैं वर्कआउट भी पूरा करता हूँ, डाइट भी पूरी करता हूँ, सब कुछ पूरा करता हूँ, बट रिजल्ट्स नहीं आते. ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए बिकॉज आप अपने प्लान को सस्टेन नहीं करते. आपका प्लान सस्टेनेबल नहीं है. आपको ऐसा प्लान चूज करना है जो आपके लिए सस्टेनेबल हो. पहले मैं मतलब बताता हूँ सस्टेनेबल प्लान क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है. सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है जिस प्लान को आप मेंटेन कर सकते हो, जिस प्लान को आप फॉलो कर सकते हो, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, या दो दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, या एक साल के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए फॉलो कर सकते हो ना जिस प्लान को, वो है सस्टेनेबल प्लान. आपको सस्टेनेबल प्लान चूज करना है. आप भागते हो परफेक्शन के पीछे. परफेक्शन का मतलब होता है इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं. दिस इज द बेस्ट प्लान एवर, चाहे वो सस्टेनेबल हो या ना हो. मैं कह रहा हूँ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी मोर रादर देन परफेक्शन, सस्टेनेबिलिटी ओवर परफेक्शन. जब मैं पहली बार बाहर ग्राउंड में भागने गया था, पहले इतना मोटा हुआ करता था, भाग ही नहीं पाता था, कुछ ऐसे दिखता था. तब क्या होता था, मैं हमेशा परफेक्शन के पीछे भागता था कि यार यही परफेक्ट प्लान है, मैं यही फॉलो करूंगा, चाहे वो डाइट प्लान हो, चाहे वो वर्कआउट प्लान हो. जब डाइट होती थी कि अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल एक दिन का 150 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो 150 ही खाना है, 140 नहीं होना चाहिए, 160 नहीं होना चाहिए. ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम. मैं परफेक्शन के पीछे भागता था कि भाई आई विल फॉलो द बेस्ट प्लान एवर अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट. मेरा प्लान सस्टेनेबल इसलिए नहीं था क्योंकि मान लो मेरे को कहीं भी बाहर जाना है, कहीं फैमिली के फंक्शन में जाना है, कहीं दोस्तों के साथ जाना है, कहीं भी बाहर जाना है, मैं कहीं जा ही नहीं पाता था. बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं बाहर कहीं शादी पे जाऊंगा या कहीं बाहर रेस्टोरेंट खाने में जाऊंगा तो मैं कुछ उल्टा सीधा खा लूंगा. दोस्तों के बर्थडे पे नहीं जा पाता था, या जाता था तो वहां कुछ खा नहीं पाता था, बिकॉज मुझे पता है कि वहां पर जो भी खाना होगा, मान लो चिल्ली पटाटो होंगे, वो बने होंगे रिफाइंड ऑयल में, और मुझे रिफाइंड ऑयल नहीं खाना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड. फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी मोर रादर देन परफेक्शन. हमें ऐसा प्लान चूज करना है जिस चीज को हम मेंटेन कर सकते हैं, जिस चीज को हम सस्टेन कर सकते हैं, रादर देन चूजिंग अ प्लान जो कि परफेक्ट है और परफेक्ट प्लान को हम मेंटेन ना कर पाए. अब वर्कआउट में क्या होता है, मान लो हफ्ते में 7 दिन करना, चाहे वो रोज मेरे लिए सस्टेनेबल ना हो. अगर वर्कआउट आपके लिए परफेक्ट है कि आप हफ्ते में 7 दिन वर्कआउट कर रहे हो, और आपके लिए सस्टेनेबल है कि आप वर्कआउट कर सकते हो हफ्ते में 5 दिन, तो चूज 5 दिन टू वर्कआउट रादर देन चूजिंग 7 डेज अ वीक टू वर्कआउट, जो कि सस्टेनेबल नहीं है. चाहे सस्टेनेबल प्लान आपके लिए 5 दिन का है, 5 दिन वर्कआउट करने का एक हफ्ते में, रादर देन चूजिंग अ 7 डेज अ वीक प्लान जो कि 7 दिन का एक परफेक्ट प्लान है. फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी मोर रादर देन परफेक्शन. मेक फिटनेस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है, जो आपकी जिंदगी का पार्ट है, जो आप रोज करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप सुबह ब्रश करते हो, नहाते हो, वॉशरूम जाते हो, फोन यूज करते हो, या पढ़ाई करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, बाहर घूमते हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, खाना खाते हो, आप सोते हो, गाने सुनते हो, कुछ भी करते हो, जो आप रोज करते हो ना, वो आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट है. और मैं यही चीज कहने जा रहा हूँ, मेक फिटनेस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. आपको जो भी करना पसंद है, चाहे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, चाहे आपको हॉकी खेलना पसंद है, चाहे आपको बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम जाना पसंद है, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो भी करना पसंद है ना, मेक दैट थिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. जब आपके लाइफ का वो पार्ट बन जाएगा कि यार रोज ये करना ही है. लाइफ स्टाइल का पार्ट मतलब लाइफ का पार्ट. जब आपके लाइफ का पार्ट बनेगा ना कि यार मेरी दिन की एक्टिविटी वो चीज को करे बिना अधूरी है. फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं आज ब्रश नहीं करता, और ब्रश करना मेरी लाइफ स्टाइल का पार्ट है, तो उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मुझे ब्रश करना ही पड़ेगा. अगर नहाना मेरी लाइफ स्टाइल का पार्ट है तो मुझे नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पार्ट है, उसके बिना मैं नहीं जी सकता. आपको फिटनेस को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है. उसके बिना मैं नहीं जी सकता, मेरी लाइफ का पार्ट है, मुझे करना ही करना है. चाहे हफ्ते में 5 दिन करूंगा, बट वो मेरी लाइफ का पार्ट है, और उस चीज़ को मैं सस्टेन करूंगा. सस्टेनेबिलिटी से क्या होगी, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे. एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिटनेस. जब आप एक चीज़ को निरंतर करते जाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी से क्या होगा, हैबिट बिल्डिंग हो जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी. यार अब तो जिम जाना ही है, अब तो फुटबॉल खेलनी है, अब तो क्रिकेट खेलनी है, हॉकी खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है. अब फिटनेस के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है. आप लाइफस्टाइल का पार्ट तभी बना पाओगे फिटनेस को, जब आप ऐसा प्लान चूज करोगे जो सस्टेनेबल है. सस्टेनेबल प्लान से क्या होगा, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे,
और जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे ना किसी भी प्लान के साथ, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जिम जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से आपकी हैबिट बन जाएगी। जहां आपकी हैबिट बन गई ना फिटनेस, तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब अपने आप हो रहा है। मैं कुछ कर नहीं रहा, अपने आप मेरे हाथ हिल रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव रियलाइज। फोकस ऑन अ सस्टेनेबल प्लान। सस्टेनेबल प्लान से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, कंसिस्टेंसी से आप अपनी हैबिट बना पाओगे फिटनेस को। एंड हैबिट बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिटनेस। और हमेशा चूज करो सस्टेनेबल प्लान ओवर अ परफेक्ट प्लान। और अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस।